अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू डूइंग वेल। दिस इज हमाद। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 4 को जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, इससे पहले हम लेक्चर नंबर 3 को एक दफा रिकॉल कर लेते हैं। उसमें हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी थी। तो लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी टेक्स्ट फील्ड क्या होता है हमारे पास। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड आपको पता है बेसिकली जो है, जो आप लोग जिस पे आप इनपुट करते हैं कुछ, ठीक है, लाइक फेसबुक ओपन किया, इंस्टा, जब आप लॉग इन करते हैं तो वहां पे आपसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछता है, जिसके अंदर आप यूजर नेम पासवर्ड देते हैं, दैट्स कॉल्ड टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी इंप्लीमेंट्स एक्शन लिस्टनर की। ठीक है, हमने एक्शन लिस्टनर को दो तरीकों से देखा है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको एक्शन लिस्टनर बताया था कि आप क्या करते हैं कि नीचे फंक्शन बनाते हैं और उसके अंदर आपके पास एक ओवर राइट फंक्शन होता है। ठीक है, आप उसको यूज करते हुए क्या करते हैं, एक्शन एक्शन लिस्टनर होता क्या है, मैं लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था और अभी अगेन भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये किसी बटन के क्लिक पे कोई भी इवेंट अकर होना, दैट्स कॉल्ड एक्शन, जिसमें कि आप किसी बटन पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने की बेस पे आप उससे रिटर्न में क्या चाहते हैं, मतलब मैं कहता हूँ मैंने बटन पे क्लिक किया तो कोई दो नंबर ऐड हो जाए, दैट्स कॉल्ड एक्शन लिस्टनर। ठीक है, कोई बटन पे क्लिक हो तो कुछ काम हो, ठीक है, जो आप चाहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्शन लिस्टनर। ठीक है, ओके। सेकंड हमने एक एग्जांपल देखी थी, हमने क्या किया था कि छोटा कैलकुलेटर बनाया था, खैर उतना बड़ा कोई कैलकुलेटर नहीं था, बट एक नॉर्मल सा हमने क्या किया था, दो टेक्स्ट फील्ड ली थी, देन दो बटन बनाए थे, हमने प्लस के बटन पे हम दो नंबर देते थे तो वो ऐड होके एक तीसरी फील्ड के ऊपर जाके आंसर हमें शो करता था। ठीक हो गया, ये जो है हमारा लास्ट नंबर 3rd का जो था काम था। तो अभी जो है हम लोग लेक्चर नंबर 4 को देखते हैं कि लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने क्या क्या चीजें जो है कवर करनी है। ठीक है, सो लेक्चर नंबर जो 4 है, हमारा एजेंडा है वो है बेसिकली टेक्स्ट एरिया। ठीक, जैसे हमने बात की थी टेक्स्ट फील्ड की, ऐसा ही है। टेक्स्ट एरिया क्या होता है कि आपने कभी कोई फॉर्म फिल किया हो तो वो आपसे ना कभी देखा होगा, आपसे ऊपर नाम पूछते हैं, योर फर्स्ट नेम, योर लास्ट नेम, ठीक है, योर फादर ने, फिर कोई चीजें आपसे पूछ लेंगे जेंडर्स के बारे में, फिर आपसे स्किल्स का पूछ लेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे एक टेक्स्ट फील्ड होती है जो एक बड़ा बॉक्स सा बना होता है। ठीक है, तो होती वो टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट लाइक टेक्स्ट फील्ड की तरह होता है, बट वो टेक्स्ट एरिया होता है। टेक्स्ट फील्ड में क्या होता है कि टेक्स्ट फील्ड में आप एक जैसे नाम शाम आपने दे दिया, यूजर नेम दे दिया, पासवर्ड दे दिया, ठीक है, आप टेक्स्ट फील्ड में वो काम करते हैं। टेक्स्ट एरिया जो अभी मैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, टेक्स्ट एरिया क्या होता है कि आपने वहां पे कोई डिस्क्रिप्शन देनी होती है, मतलब कि जैसे आप ना एग्जांपल दूं कि आपने इंस्टाग्राम को जो है न्यू अकाउंट बनाया, तो वो आप कहते हैं अपने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखे ना, आप मतलब आपकी हॉबीज क्या क्या है आपकी। अब वहां पे आपको वो सारी वो ना स्पेस देता है, शार्प करेक्टर देगा कि भाई आपके पास ना 302 करेक्टर की स्पेस, आप 302 करेक्टर्स के अंदर अंदर अपनी कुछ भी जो दिल करे वो आप लिख सकते हैं। दैट्स कॉल्ड टेक्स्ट एरिया, वो हम बनाएंगे और उसके अंदर हम एक ज्यादा सा डाटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे पासवर्ड फील्ड की। ठीक है, हमने अभी तक टेक्स्ट फील्ड देखा। ठीक है, तो टेक्स्ट फील्ड में क्या होता है कि आप यूजर नेम लिखते हैं, आप अपनी मेल लिख सकते हैं, आप कुछ और लिख सकते हैं, 123 लिख सकते हैं। टेक्स्ट फील्ड सॉरी पासवर्ड फील्ड क्या होगी कि हम जो पासवर्ड फील्ड को बनाएंगे ना, तो आपने जब देखा हो किसी भी जब आप अकाउंट लॉग इन करते हैं तो वो जो आपका पासवर्ड फील्ड होते हैं ना, वो हमेशा डॉट्स में आता है ना, कभी वो पासवर्ड लिखा तो नहीं आता ना। ठीक है, तो वो यूजर से हिडन करते हैं, ठीक है, ताकि कोई देखे ना। तो हम बेसिकली वो बनाएंगे ऐसा ताकि वो स्टार्स की शक्ल में है जो भी हम लिखेंगे, या फिर वो डॉट की शक्ल में है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है एग्जाम्पल, हम लोग देखेंगे जिसमें हम क्या करेंगे कि दो फील्ड बनाएंगे, एक सिंपल फील्ड बनाएंगे टेक्स्ट फील्ड और एक बनाएंगे पासवर्ड फील्ड। दोनों को बना के, ठीक है, दोनों को देखेंगे और देन हम बटन की क्लिक पे उन दोनों को कहीं ना कहीं शो करवाएंगे। ठीक है, तो ये आज का हमारा एजेंडा है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने सबसे पहले टॉपिक पे, ठीक है, टेक्स्ट एरिया को। तो बहुत ईजी सा है टेक्स्ट एरिया। ठीक है, तो मैं अपने नेट बीन्स ओपन कर लेता हूँ, ऑलरेडी मेरा नेट बीन्स ओपन है, लाइब्रेरीज मैंने इम्पोर्ट करके रखी हुई है, आप लाइब्रेरीज को ओपन कर लें। ठीक है, इसकी तो हमें फिलहाल जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको हम जो है या इसको रख लेते हैं, मे बी बटन के लिए जरूरत पड़े। ठीक है, ओके, सो हम इसको थोड़ा सा जी इसको पीछे कर लेते हैं और उसको यहाँ पे, ओके, तो हम मेन के अंदर ही काम करते हैं सारा। ठीक है, ये मेन के अंदर करें या आप बाहर, आपको जैसे इजी लगता है। ठीक है, मेन के अंदर हम कॉल कर लेंगे इसको। कैसे, मेन के अंदर आपने इस तरह कॉल करना है इसको, न्यू डिजाइन जो है आप लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, DES, और आपके पास ये आ गया। ठीक है, और आप बस इसको कॉल कर ले मेन के अंदर, ठीक है, ताकि ज्यादा वो है हमारा
मिक्स अपना हो, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर बना लेंगे, ठीक है। जब आप यहाँ पे इसको इस तरह करेंगे ना, तो इट्स मीन कि आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट जो है इधर बन रहा है, और देन आप क्या करेंगे उसका कंस्ट्रक्टर बनाने पे काम करेंगे। क्या लिखा, डिजाइन, ये कॉन्सेप्ट आपको पता है, क्लास के नेम से कंस्ट्रक्टर बनता है, तो यहाँ पे हम तो भी काम करेंगे। यहाँ पे लास्ट क्लास में मैंने शायद इस पे डिस्कशन की थी। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, जे फ्रेम, ठीक है। जे फ्रेम तो आपको रट गया होगा, जे फ्रेम पे हम कर करके एफ इक्वल टू न्यू, जे फ्रेम को मैं जल्दी से जो है कर लेता हूँ, ठीक है। ये चीजें तो आती हैं, यहाँ पे आप जो भी इसको लिखना चाहें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि भाई मेरा जो है टेक्स्ट, टेक्स्ट नहीं, हाँ टेक्स्ट एरिया, ठीक है, टेक्स्ट एरिया का हम काम करने लगे हैं। उसके बाद मैं क्या करूंगा, लिखूंगा एफ डॉट सेट साइज, ये आपको मैंने बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ सेकंड स्टेप होता है हमारा साइज देना, जेड डी, ये आ गया। और यहाँ पे हम लोग साइज देते हैं, ठीक है, जैसे 300, 400, हाइट इसकी 400 कर लेते हैं, या हम लोग इसकी हाइट इसकी ज्यादा हो चाहिए तो हम इसको करते हैं, ओके। इसके बाद सेकंड चीज हम लोग क्या देते होते हैं, एफ डॉट सेट लेआउट, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, नल, ओके। इसके बाद हम क्या करते हैं, एफ डॉट सेट विजिबल बूलियन ट्रू, ठीक हो गया, ओके, सही है। अच्छा, अब ये तो हमारा बन गया, इसको हम रन करके देखते हैं ये भाई चल रहा है भी कि नहीं। अभी तो हमने इसके अंदर टेक्स्ट एरिया अप्लाई नहीं किया हुआ, उसको भी हम लोग देखेंगे, तो चल रहा है कि नहीं, थोड़ा तो स्लो है अभी कस्टमर, ठीक है, चल रहा है। टेक्स्ट एरिया भी लिखा हो गया, ठीक है। अच्छा ये देखें, अभी मैंने वो चीज एक अप्लाई नहीं की, तो पीछे क्या है मेरा ऑलरेडी रन हो रहा है, ठीक है। वो मैंने लाइन नहीं लिखी, वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। वो क्या होता है, जो एग्जिट होती है आपकी है, वो बस यहाँ पे हमने क्या करना है, लिखेंगे जे टेक्स्ट एरिया का नाम, ठीक है, जे टेक्स्ट एरिया, जे टेक्स्ट एरिया, एरिया इज इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट एरिया। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे वेलकम, ठीक टेक्स्ट एरिया, हम बस ये लिख लेते हैं, ठीक है। टोटली ये एक लाइन है, ठीक है। आपको पता है जब हम ये लिखते हैं, देन हम क्या करते हैं, हमारा जो कुछ स्टेप्स होते हैं, हम फिर इसको जो है इसका वो करते हैं, बाउंड करते हैं इसको, हम विथ हाइट इसकी सेट करते हैं, एक्स वाई वैल्यू सेट करते हैं। क्या लिखूंगा, एरिया डॉट एरिया, ये ऊपर जो है इसका सेट बाउंड, ठीक है। मैं यहाँ पे सेट बाउंड्स, मेरे पास सेट बाउंड्स ये आ गया, और यहाँ पे हमने डिफरेंट वैल्यूज देनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ 10, 30, ठीक है, कि भाई ऊपर से इतनी कर ले, भी आपको आइडिया तो है इस पर, ठीक है। 200, 200 का साइज दे देते हैं, ठीक है। और इसको मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा, कर लेते हैं एफ डॉट ऐड, और ऐड में क्या पास करूंगा, एरिया, सिंपल, ठीक है, एरिया पास कर दिया मैंने, बस ये काम है और कुछ भी नहीं। तो अब हम रन करते हैं जल्दी से, ठीक है। देखें, दिस इज कॉल्ड टेक्स्ट एरिया, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी मैंने बाय डिफॉल्ट, तो इसको मैं रिमूव कर दूँ। यहाँ पे मैं कुछ डिस्क्रिप्शन, जैसे मैं अपनी हॉबीज आपको बताती हूँ, तो रीडिंग बुक्स, पेंटिंग, फुटबॉल, ठीक है। उसके अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ, प्लेइंग वीडियो गेम्स, ठीक है। तो इस तरह लाइक आपको समझ तो आ गया, आप सब पूरी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, आप कॉमा डाल के यहाँ पे पूरी एक पैराग्राफ यहाँ तक आप लिख सकते हैं, साइज यहाँ तक होगा, ठीक हो गया। होपफुली आपको ये चीज समझ आ गई होगी, टेक्स्ट एरिया का बेसिकली ये काम है, ज्यादा कोई इसमें वो लंबी चौड़ी कहानी नहीं है कि वो ज्यादा टफ हो या ऐसा कुछ, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है, इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, ये थोड़ा सा जो है ना काम खराब होता है, ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो बेसिकली क्या है, एक दफा हम देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास है पासवर्ड फील्ड, ठीक है। तो
पासवर्ड को हमने एक दफा लाना है, मैं इसको यहां से करता हूँ रिमूव, ठीक है। ये बाउंड्स बेशक रहे, इसको मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे लाऊंगा गया। ये जैसे आपको पता है नॉर्मली हम लोग पासवर्ड कैसे लाते हैं, ठीक है, आपने लिखना है जे, ये पासवर्ड फील्ड, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, कुछ भी लिख दूंगा, मैं वैल्यू लिख देता हूँ या मैं पास लिख देता हूँ, पास इक्वल टू न्यू जे पासवर्ड फील्ड, ठीक है, और ये सिंपल, ठीक हो गया। और इसके अंदर अगर आप कुछ लिखना चाहें तो वैसे बात है, ये हमारे पास टेक्स्ट फील्ड है, इस पे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस पास को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, मुझे इसका बाउंड सेट करना है और यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसका थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको करता हूँ 20, यार ये थोड़ा सा 20 पे हो जाए, ठीक है, इसका हम थोड़ा सा इसको दरमियान में कर लेते हैं, 100 कर लेते हैं, ठीक है। इसकी विड्थ हाइट जो है ना, ये हम लोग देते हैं, हाइट आपको पता है मशीन की हाइट बहुत छोटी देनी होती है, ये फील्ड्स वगैरह की हाइट कर देते हैं, और ये जो है इसको हम 100 कर देते हैं, जी ओके। इसको अब हम रन करके देखते हैं कि हमारे पास कुछ टेक्स्ट फील्ड जो है वो आ रही है कि नहीं आ रही। ये टेक्स्ट फील्ड तो और यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखता हूँ तो ये देखें, मैं जो भी लिख रहा हूँ वो टेक्स्ट फील्ड में आ रहा है, आपको आपको नहीं पता कि भाई मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड टेक्स्ट फील्ड, ओके हो गया। सो सिंपल, ये टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है, आपको ये समझ आ गई होगी, इसमें कोई इतना मुश्किल बात नहीं थी। तो इसके बाद हम लोगों ने क्या करना था, लास्ट जो एग्जाम्पल है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग थी, कि हमने एक टेक्स्ट फील्ड बनानी है यूजर नेम की और एक पासवर्ड की, तो बनी हुई है ऑलरेडी। यूजर नेम की हम बनाते हैं और क्या करेंगे, उसके क्लिक पे कुछ ना कुछ चीजें जो है परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसके पीछे आप लेबल भी लगा सकते हैं, ठीक है, वो उसको भी अभी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले लेबल लगा लेते, इससे ऊपर मैं लेबल लगा लेता हूँ, ठीक है, तो ये लेबल न्यू जे लेबल, ठीक है, ये ओके हो गया। अच्छा यहाँ देखिएगा, अगर आपने लेबल को चेंज नहीं करना, मतलब मुझे लेबल को कंफर्म एक ही रखना, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, फाइनल का कीवर्ड, या फाइनल का कीवर्ड क्या करता है, चेंज नहीं करता, ठीक है, बस ये आप एक माइंड में रखें, अगर आपको चेंज नहीं करना, ठीक है, आप इसका गैर भी लिख सकते हैं। तो इसका मैं बाउंड सेट कर देता हूँ, मैं इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, बाउंड और लेबल को यहाँ से कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से हम लोग कुछ इसकी फील्ड जो है थोड़ी सी चेंज कर, मैं इस पे ज्यादा टाइम इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको पूरी डिटेल से जो है अच्छे समझाया था, ठीक है। तो आप जो है इसको अच्छे से 75 कर लेते हैं या 80 कर लेते हैं, आपको ये 100 ही ठीक करे, या इसको हम इस तरह करते 200 कर लेते हैं इसकी जो विड्थ है, ठीक है, और हाइट जो है इसकी हम इस तरह कर लेते हैं 50। और इसको मैं क्या करूंगा, बस ये तो हमारे पास एक हो गया, अगर मैं यहाँ पे सेव करके रन करके देखूं, तो ये आया नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने उसको ऐड नहीं किया हुआ, ठीक है, यहाँ पे उसको मुझे ऐड भी करना था यहाँ पे, ठीक है, ऐड करके हम एक अलग से पोर्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो ऐड में मुझे क्या करना पड़ेगा उसको देख लेते हैं हम, ठीक है। अच्छा ऐड बाद में कर लेते हैं, पहले हम ये चीजें जो छोटी मोटी हैं इसको हम अप्लाई करते हैं, ओके सही है। अब हमारे पास एक लेबल बन गया, ठीक है, लेबल को हमने सेट कर लिया, ठीक है, पासवर्ड हमने बनाया हुआ है, पासवर्ड को भी जो है हमने सेट कर लिया। एक और हम यहाँ पे एक लेबल बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेबल बनाता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे इसके बाद, मैं एक और लेबल बना लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे कर लेबल, इसको भी मैं फाइनल बना लेता हूँ, ठीक है, या फाइनल नहीं भी बनाते, हम इसको इस तरह रख लेते हैं, कहते जे लेबल, ठीक है, जे लेबल, और आगे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ L1 इक्वल टू जे लेबल, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, अंदर नेम पास करूंगा, यहाँ पे कहूंगा भाई यूजर नेम, ठीक है, ये मेरा एक यूजर नेम। अब हम यूजर नेम के लिए एक बनाएंगे और एक पासवर्ड के लिए बनाएंगे, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। इसको मैं सेट बाउंड कर लेता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके ये कर लूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कहता हूँ 20,
इसको भी हम क्योंकि हमारे पास वाई है तो ये भी हम 20 कर लेते हैं, इसकी हाइट 20, ऊपर से जो है मार्जिन देगा इसको 80 कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 30 ही रखते हैं, ठीक हो गया। अच्छा अब मैंने एक बनाया, मैं इसी को ही कॉपी करता हूँ, सेम कुछ भी नहीं करना, कॉपी किया, इंटर किया, ऊपर चला गया, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। दूसरा मुझे L2 के नाम से बना लेना, या आप पासवर्ड के नाम से बना लीजिए आपको लगे, जहां पर मैं क्या लिखूंगा WRD पासवर्ड, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास इसका जो है मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा इसको जो है, ये 20 था तो ये तो उससे नीचे आना चाहिए, इसको हम 75 कर लेते हैं या 80 कर लें आप, ठीक है। बाकी 80-30 ये सेम होगा, ओके। उसके बाद जो है हमारे पास एक बटन बनेगा लास्ट में, ठीक है, ये बटन P इक्वल टू न्यू J बटन, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बटन का नाम मेरा क्या होगा, लॉगिन, ठीक है। अच्छा और यहाँ पे मैं बॉन्ड भी इसका क्या कर दूंगा, सेट कर दूंगा कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, और बॉन्ड में इसको क्या कहता हूँ, यहाँ पे पास पास नहीं करना मुझे, यहाँ पे नेम चेंज करना है, याद रखिएगा, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड का पासवर्ड था, यहाँ पे कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं क्या करूंगा पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट L2 को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे बी जो है बी को कॉपी किया, और यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, पता लगे हम उसका बाउंड जो है वो हम सेट कर रहे हो, ठीक है, जो उसकी बाउंड्रीज वगैरह होती हैं। अच्छा यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको हम कहते हैं कि भाई ये दरमियान में होना चाहिए, जब X 100 करेंगे तो वो दरमियान में आ जाएगा, 120 करेंगे तो ऊपर से जो है आपको जो है थोड़ा सा मार्जिन दे देगा, यहाँ पे 80 होगा, यहाँ पे 30 होगा, बाकी जो है होपफुली सारा कुछ बेस्ट है, ठीक है, ओके। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट फील्ड बना लेता हूँ, ये मैं कहता हूँ जे टेक्स्ट, टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, TEX टेक्स्ट इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको फिर अगेन जो है फॉन्ट जो है सेट कर लेते हैं, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ क्योंकि लिखने से बेहतर है आप को कॉपी कर लें, ताकि जो है उसको बाद में चेंज कर सकते, यहाँ पे टेक्स्ट है, टेक्स्ट को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर लिया, और इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 100 पहला देता हूँ, दूसरा इसको जो है मुझे थोड़ा पीछे करना है, ऊपर से थोड़ा कम करना है तो मैं 20 कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे 100 विड्थ इसकी जो है थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी मुझे, 100 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा 30 कर दूंगा, ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या है, मुझे इन सबको ऐड करना है, ठीक है, मैं करूंगा एफ डॉट ऐड, इसको कॉपी करता हूँ, कहानी खत्म, ज्यादा लंबे नहीं चाहिए, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है। तो अब मुझे सबसे पहले मुझे क्या देनी है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे पास देना है, पास मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। फिर मुझे क्या देना है, L1 L2, मैं वो दोनों दे देता हूँ, यहाँ पे L1, मैं यहाँ पे L2 को उठा दूँ, ठीक है, यहाँ पे दिया। फिर मैंने कहा भाई मुझे बटन भी देना है, मैंने कॉपी किया, बटन भी दे दिया, इसमें ऐड कर दिया फ्रेम में, ठीक है, बटन मैंने ऐड कर लिया, 2 कर लिया, लेबल मैंने जो है वो ऐड नहीं किया, ये टॉप पे लेबल मैंने बनाया था, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ कॉपी, इसको मैं आपको बताऊँ लेबल शेबल वगैरह हमने क्यों बनाए, लेबल को मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। और उसके बाद जो है लेबल के बाद एक टेक्स्ट है मेरे पास आपके, टेक्स्ट को भी ऐड कर लेता हूँ, देखो ये सारी चीजें जो है मैंने ऐड कर ली है, ठीक है, ओके। और इसके बाद जो है हम लोग एक्शन में, पहले हम इसको रन करके देखते हैं कि भाई हमारे पास जो है कुछ सही रन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये देखें बेहतरीन, आई थिंक टेक्स्ट के सामने नहीं आ रहा, बाकी सारा ठीक है, ठीक है, शायद मैंने उसकी दी नहीं है, तो ये देखें लेबल प्रॉपर बड़े अच्छे वे में आ रहा है, यहाँ पे भी हम लोग उसका जो टेक्स्ट फील्ड है वो हम लोग देखते हैं हमारा क्या इश्यू है, बाकी तो बिल्कुल बेहतरीन आ रहा है, तो हम लोग जब इसको देखते हैं, ठीक है, हमने तो वो दिया ही नहीं, तो हम क्या करेंगे एफ डॉट एड, क्या यहाँ पे मैं क्या दूंगा पास, ये मैंने नहीं दिया था, ठीक है, अभी देखिएगा वो भी, उम्मीद है हमने उसको सेट किया वो आ जाएगा। पॉप अप क्यों आ रहा, पास सॉरी P8 पास नहीं है, एक्चुअली PSS है ये। अब इसको रन करते हैं, इसको हम करते हैं यहाँ से बंद, क्या यस किया और हम करेंगे रन,
ओह आई थिंक इसका डिजाइन जो है ना वो ठीक नहीं है, इसको हम लोग थोड़ा सा भी देखते हैं ठीक है। तो क्या इशू आ रहा है हमारा पास में, तो इशू आ रहा है 300 300 है हमारा जो है। सबसे पहले हम इस पासवर्ड को देखते हैं ठीक है। तो पासवर्ड को अगर हम लोग देखें तो इसको मैंने दिया हुआ है पासवर्ड फील्ड को 100, जहां पे आप देखें ना यहाँ मैं 20 दिया हुआ है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा 100 दूंगा ठीक है पासवर्ड फील्ड को ठीक है। और इसको मैं कहता हूँ कि तो इस तरह का 75 75 ले ले, ज्यादा बेस्ट है ठीक है। 100 और 30 अब ट्राई करते हैं जरा। उसको किया मैंने रन, तो ये देखिए बिल्कुल बेहतरीन हो गया ठीक हो गया। तो ये एक्चुअली वहां पे काम काम खराब होता है जहां पे आप एक्स और वाई का है, एक्स और वाई को बस आपने हैंडल देखना है, एक्स लेफ्ट से राइट लेके आता है और वाई टॉप से नीचे लेके आता है, बस ये आपने याद ठीक है। हमारा बेहतरीन हो गया, अब हमें नेक्स्ट काम करना है अपना ठीक है। तो चलते हैं हम अपने अगले काम के लिए। अब हमने ना एक लिसनर बटन का काम कर ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी था लिसनर बटन हम क्या करेंगे कि एक दो तरीके हैं। लास्ट टाइम मैंने क्या बताया, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके भी कर सकते हैं, तो हम इम्प्लीमेंट अगर दूसरे तरीके से करें तो हम उस तरह कर लेते हैं ठीक है। बिल्कुल इसके लास्ट में जाएं आप यहाँ पे, लेकिन कंस्ट्रक्टर के अंदर, कंस्ट्रक्टर बाहर नहीं। अब यहाँ पे क्या करना है, फंक्शन बनाना उस बटन के थ्रू। बी बटन का नाम क्या था, बी डॉट यहाँ पे आप लिखेंगे एड लिसनर का होगा, एड एक्शन लिसनर, और आपके पास एक्शन लिसनर ये आ रहा है ये आ रहा है ठीक है। आपने एंटर किया ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, लिखेंगे न्यू एक्शन LISTEN, ये नीचे आपका फंक्शन भी बन जाएगा अगर तो बनने आया ये ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट्स और ठीक है, इसके ऊपर अगर आप यहाँ पे जाके ना कंट्रोल स्पेस करेंगे तो आपको इतना फंक्शन भी बना देगा ये, नहीं बल्कि ठीक है एक्शन लिसनर और जो है एट एक्शन लिसनर ठीक है। अच्छा इसके अंदर हमने क्या करना, फंक्शन बनाना है ठीक है, खुद बना लें आप वैसे नॉर्मली, वो आपको सजेशन दे देता है पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म का एक फंक्शन होता है आपके पास एक्शन ORMED परफॉर्म, इसके अंदर पहले ये किया और इसके अंदर यहाँ पे आपने क्या करना है, लिखना है एक्शन इवेंट ई ठीक है। देखें वो एरर चला गया आपका, ओके हो गया। अच्छा अब यहाँ पे एरर हम लोग देख लेते हैं क्या एरर आ रहा है, और यहाँ पे ठीक है बेसिकली यहाँ पे एक ब्रैकेट आनी चाहिए ठीक है। हाँ अब एरर चला गया ठीक है। अब इस बटन पे, बी के बटन पे जब कोई ऐड, हम ऐड एक्शन लिस्ट कर रहे हैं वहां पे न्यू का एक आपकी क्लास ट्यूटोरियल उसके अंदर क्या, और एक फंक्शन कॉल होगा जिसके अंदर आप जो भी काम करेंगे वो क्या करेगा, काम होगा ठीक है। अच्छा हमने क्या करना है, मैं आपको एक दफा रन करके आपको समझा देता हूँ, इसलिए हमने करना हुआ है। जैसे ये है मेरे पास, तो मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जैसे मैं देता हूँ हमाद और यहाँ पे देता हूँ अपना पासवर्ड ठीक है ABC 1 2 3, मैं जो लॉगिन पे क्लिक करूंगा ना तो मेरा ये जो यूजर नेम है वो नीचे आ जाए और पासवर्ड भी साथ लिखा है, दोनों चीजें नीचे लिखी है, समझ आ गई आप। हमने अभी बेसिकली ये काम कर, जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा वो नीचे लिखाना है, पहले लिखाना है, जो मैं बटन पे क्लिक करूँ तब लिखा है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो कैसे करेंगे इसको क्या, और अच्छा तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग डेटा ले लेता हूँ, स्ट्रिंग डेटा इक्वल टू यहाँ पे कहता हूँ कि भाई यूजर नेम ठीक है और प्लस टेक्स्ट, मतलब मेरे टेक्स्ट में जो भी पड़ा होगा मैं लिखूंगा टेक्स्ट डॉट, बहुत इजी है गेट टेक्स्ट, ये काम करना है हमने सिंपल ठीक है। ये टेक्स्ट इवेंट नहीं है सॉरी, ये टेक्स्ट पता कौन सा जो यहाँ पे टेक्स्ट होगा, इसमें इसमें कुछ आपको टेक्स्ट आया होगा तो इसको कॉपी कर, तो यहाँ पे पेस्ट कर तो मेरा एरर चला जाएगा, होपफुली चला गया ठीक है। इसका क्या मतलब है, टेक्स्ट में मेरा क्या आएगा, यूजर नेम है, जो भी मैं राइट करूंगा जो भी मैं लिखूंगा वो इस टेक्स्ट में आएगा। मैंने क्या किया, टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट मैंने पास कर दिया डाटा, डाटा को ये दो चीजें मिल जाएंगी ये और ये ठीक है, ये काम हो गया। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई अब मुझे कंकेटिनेट करो डाटा, जो डाटा ऊपर है डाटा प्लस इक्वल टू कॉमा WD पासवर्ड ठीक है, और पासवर्ड इस तरह करिए
करें आप और साथ लगाएं प्लस, ठीक है, प्लस लगा के न्यू स्ट्रिंग, तो यहाँ पे हम लिखते हैं वैल्यू। वैल्यू क्या चीज है? वैल्यू मेरा वो पासवर्ड है, सॉरी पासवर्ड नहीं था, वहां पे हमने पासवर्ड का नाम क्या रखा हुआ था, ये पास रखा हुआ था, तो यहाँ पे क्या लिखो, पास डॉट, यहाँ पे आएगा एक गेट पासवर्ड, वो देखें गेट पासवर्ड आ रहा है ना, गेट पासवर्ड सिंपल ये हो गया हमारे पास, ओके। और इसके बाद हम क्या करेंगे लास्ट में, यहाँ पे हम करेंगे लेबल डॉट सेट टेक्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या पास कर देंगे डेटा सिंपल। तो यहाँ पे हमारे पास डेट एक्चुअली मैं लिखी है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे, ठीक है, टोटल ये काम है। अब मैं अगेन एक दफा समझा रहा हूँ मैंने किया क्या है। देखें सबसे पहले क्या होगा कि मैंने कुछ इंटर किया ना वहां पे, ओके, एंड जो भी इंटर किया होगा, मैं एक दफा इसको रन करके साथ में आपको वहां पे लिख के नहीं बताऊंगा, अभी अभी हम लोग सिर्फ इसको ड्राई रन करते हैं, कोड मैंने आपको समझाना है, इसको साथ ओपन करके रख लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखें, सबसे पहले मैंने यूजर नेम यहाँ पे लिखा हमार, क्यों गया, तो अगर आप इस पहली लाइन को पढ़े, लिखा हुआ है कि डेटा इज इक्वल यूजर नेम प्लस टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट, मतलब ये जो हमाद है ना, हमाद क्या होगा, इधर टेक्स्ट में पड़ा होगा, ये उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, और किस में लेके आएगा, डाटा में लेके, तो यहाँ पे लिखा है यूजर नेम हमाद, ये चीज लिखी है, ये किस में पड़ी होगी, डाटा में। फिर हमने क्या किया, हमने बात की कि यार डाटा को ऐड करो स्ट्रिंग के साथ, एक किसके साथ, ये लिखा है कि पासवर्ड, पासवर्ड को फिर ऐड करो आप एक न्यू स्ट्रिंग के साथ, तो पास पास में क्या पड़ा होगा मेरे, यहाँ पे जो भी पासवर्ड है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये किसमें पड़ा होगा, पास में, और गेट पासवर्ड, गेट क्या करता है आपका पासवर्ड गेट गेट, ठीक है, आपको लिखा आएगा कि भैया आपका ये पासवर्ड था। अब वो सारे का सारा डाटा किस में आ जाएगा, डाटा में। फिर हमने क्या करना है, हमने टॉपिक लेबल बनाया था, आपको याद होगा ये वाला लेबल है ना, लेबल इज इक्वल टू न्यू लेबल और दिस दिस दिस, तो हमने क्या करना है, जो भी आंसर आया है ना डाटा के अंदर, उसको हमने इस लेबल में सेट टेक्स्ट कर देना, बस लेबल में हमारे पास पूरे का पूरा डाटा शो हो जाए, ठीक हो गया। सो अगर मैं इसको, मैं स्टार्ट से इसको रिमूव करता हूँ, यहाँ से, यहाँ से भी रिमूव करता हूँ, मैं अपना नाम लिखता हूँ माद एट द रेट वन, ठीक है, और यहाँ पे पासवर्ड देता हूँ एम एट द रेट 1 2 3, तो लॉगिन पे क्लिक करते हैं, तो ये अभी थोड़ा सा आगे पीछे आ रहा है, हम इसको थोड़ा सा सेट करते हैं, बेसिकली ये ओके लेबल में इशू है, मैं क्या करता हूँ लेबल को ठीक करता हूँ थोड़ा सा, तो लेबल में हमारे पास ज्यादा इशू है, तो लेबल को हम इस तरह करते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट में इसको दे देता हूँ 20 दे दें, 20 बेस्ट रहेगा ना, एक्स 20 दे दें, 20 थोड़ा सा इस साइड पे हो, और ऊपर से ज्यादा नीचे जाना चाहिए, बिल्कुल सबसे लास्ट में जाना चाहिए, तो 150 कर लेते हैं सबसे ज्यादा, 250, बाकी ठीक है, बाकी को नहीं छेड़ना, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं अगेन रन करता, तो अब ट्राई करते हैं जरा, ठीक है, इसको दिमाग में ले आते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हमाद एट द रेट 909, ठीक है, और पासवर्ड हम लिखते हैं जेएम एट द रेट 098, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे करता हूँ, तो ये देखें प्रॉपर मेरा जो है, आई थिंक यूजर नेम हमाद एट द रेट 09, पासवर्ड जो है ना हमारे पास नहीं आया, तो पासवर्ड को जरा देखते हैं, पासवर्ड हमारे पास क्यों नहीं आया, तो इसको एक दफा हम लोग गेट करते हैं जरा, होपफुली यहाँ पे हमारे पास लास्ट में कोई इशू ना, या फिर स्पेस का इशू ना हो, मुझे लगता है मे भी हमारी शायद स्पेस का इशू हो, क्योंकि हमने विड जो है वो सही दी है, मैं तो फिर इसको ऊपर, इसको जो है वो देख लेते हैं, जो हाँ विड है हमारी कितनी है, 200 विड तो हमने ठीक दी है, और जो है बाकी, अच्छा पास डॉट सेट बाउंड ये भी हमने ठीक दी है, ठीक है, और हम देख लेते हैं क्या इशू है जरा, तो देखते हैं इसमें हमारे पास होपफुली कोई इश्यू तो नहीं, आप इसको तक बंद करके दोबारा ट्राई कर लेते हैं, अगर हम लोग इसको बंद करते हैं और दोबारा रन करके देखते हैं जरा, तो शायद मेरा पासवर्ड जो है ना बहुत ज्यादा दिए, अगर आप पासवर्ड आप कम दे के देखें कुछ, क्योंकि शायद वहां पे ना हमारे पास जगह कम है ना, तो मुझे लगता है इस वजह से वो डॉटेड दे रहा था, तो हम इस तरह करते हैं यूजर नेम भी ज्यादा बड़ा नहीं देते, हम इस तरह करते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ मादी 1, और यहाँ पे मैं पासवर्ड दे देता हूँ हम 1, ये देते हैं और लॉगिन, हाँ ये देखें ठीक है बिल्कुल, वो आई थिंक मेरे पास जो है ना वो इशू आ रहा था, तो देखिए यूजर नेम मादी 1 आ रहा है, और पासवर्ड अगर आप देखें तो हम 1 आ रहा है,
आई थिंक इसका वो आप ना जो लेबल की विड्थ है ना उसको ज्यादा कर लेंगे, फिर आप बड़ा पासवर्ड भी दे दें आई थिंक होपफुली वो इशू नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर नेम थोड़ा सा अच्छा नहीं आ रहा दिखने में, इसको भी हम लोग यहाँ पे ठीक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे यूजर नेम के आगे आप ठीक कर लेते हैं। अब ट्राई करते हैं जरा थोड़ा सा एक अच्छे वे में हमें जो है नजर आ जाए। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ ये देखें बिल्कुल बात वही है, क्योंकि एक्चुअली ना जो हमारे पास विड्थ है ना विड्थ कम है। ठीक है, याद रखिएगा इसकी, ये देखें पासवर्ड वो आ रहा है, तो मैं पासवर्ड यहाँ से कम करता हूँ, मैं 1 2 3 करूंगा, ये देखें 1 2 3 आ रहा है पासवर्ड। ठीक हो गया, होपफुली आपको समझ आ गई, तो ये आप खुद भी इसको हैंडल कर लीजिएगा। ये जो आपके पास यहाँ पे ये जो नीचे ये जो पूरी बनी है ना हमने लेबल बनाया था, उस लेबल की विड्थ को ज्यादा कर लीजिएगा, 300 कर लें या वो, तो वो होपफुली बेस्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली आपको जो है हाँ आज का लेक्चर जो है काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको चीजें भी समझ आई होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम लोग तो कुछ इससे भी बेटर परफॉर्म करेंगे, लाइक कोशिश करेंगे लॉगिन के क्लिक करने पे हम लोग किसी नई स्क्रीन पे मूव करें। ठीक है, नेक्स्ट पे जो है एप्लीकेशन पे जाएं, तो हम वो काम भी देखेंगे। ठीक है, होपफुली आपको आज का जो काम है वो समझ आया, आज हमने 3 चीजें क्लियर की हैं। ठीक है, टेक्स्ट एरिया को देखा था, पासवर्ड फील्ड को देखा, फिर एग्जाम्पल हमने एक अच्छी सी देखी थी कि जिसमें यूजर नेम जो वो भी हमारे पास टेक्स्ट फील्ड भी आ गई, जे पासवर्ड फील्ड वो भी हमारे पास आ गई, वो भी हमने देख ली थी। तो हमने डिफरेंट चीजें जो है हमने देखी है। ठीक है, और तो उम्मीद है आपको चीजें समझ आई होंगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ आई, तो फाइनली आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो है आने वाली वीडियोज आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, जजाक अल्लाह।